दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में। 16 साल का एक ऐसा बंदा जिसने उज्जैन सिटी को हिला कर रख दिया, जिसने तबाही मचा दिया। 16 साल का लड़का देखने में तो छोटा था लेकिन ये काम बड़ा करता था। देखने में बिल्कुल एकदम दुबला पतला था लेकिन कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि ये लड़का इतना कुछ कर देगा। 16 साल के लड़का में इतना ज़्यादा हिम्मत शायद कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुर्लभ कश्यप के बचपन के बारे में बताएंगे कि दुर्लभ कश्यप बचपन में कैसा था, क्या वो बचपन में भी गैंगस्टर ही था, क्या वो बचपन में भी लोगों को डरा धमका कर रखता था, क्या वो बचपन में भी लोगों से नहीं डरता था। तो आज की इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे। हम सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि यदि आपका उम्र 13 साल से लेकर 25 साल तक है तो आप इस वीडियो को मत देखना। हो सकता है कि ये वीडियो आपके अंदर तबाही मचा दे। यदि आप चाहते हो कि आप दुर्लभ कश्यप के बारे में जानो तो वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत भाग जाना, वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुर्लभ कश्यप कैसा था। चलो यार शुरू करते हैं वीडियो को। दुर्लभ कश्यप बचपन से ही एकदम नवाब की तरह जीने वाला था। दुर्लभ कश्यप कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं था। बचपन से ही इसका सपना था किंग की तरह जीने का। जब ये स्कूल पढ़ने जाता तो ये किसी से भी झगड़ा होने के बाद कभी भी उसके सामने झुकता नहीं, उससे डरता नहीं, बल्कि ये उसका जवाब देता था। एक बार एक लड़के ने इसको मारा और मारने के बाद इसने कहा, ठीक है बेटा चल बाहर, मैं तुम्हें बाहर देख लूँगा। और जब वो लड़का स्कूल से बाहर निकला तो ये उसको खूब पीटा। और इसने इतना पीटा कि बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो इसको देख करके बहुत ज़्यादा ना एकदम आकर्षित हो गए। जब बहुत सारे लड़कों ने देखा कि इसने उस लड़के की खूब पिटाई करी तो बहुत सारे लड़के इसके गैंग में आ गए और दुर्लभ कश्यप का वहीं से गैंग शुरू हुआ। उसके बाद जब इसका उम्र हुआ 16 साल तो इसने 16 साल की उम्र में फेसबुक पर पहली बार अपना अकाउंट बनाया। और फेसबुक पर जब इसने अकाउंट बनाया तो इसने केवल वैसे लड़कों से ही दोस्ती किया जो लड़का अपने इलाके का डॉन हुआ करता था, जो अपने इलाके का एक नंबर का गैंगस्टर हुआ करता था। और इसके फ्रेंड सर्कल में लगभग 4000 लड़के आ गए। और 4000 लड़के के बाद आपको पता होगा कि फेसबुक पर आप सिर्फ 4000 फ्रेंड रिक्वेस्ट ही भेज सकते हो या फिर आप 4000 लोगों से ही आप फ्रेंडशिप कर सकते हो। जब इसका फेसबुक आईडी एकदम फुल हो गया तो फिर इसको लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर इसने फेसबुक पर एक पेज क्रिएट किया और पेज क्रिएट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि लाखों लड़के भारत के लगभग हर एक कोने से लड़के इसको पसंद करने लग गए। और ये केवल वैसा ही पोस्ट डालता जो पोस्ट की लड़कों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था। ये सिगरेट पीते हुए पोस्ट डालता, ये एकदम कंधे पर काला वाला गमछी लेकर के ये पोस्ट डालता। तो ये दुर्लभ कश्यप जो था ना, इसका ड्रेस एकदम ऐसा एटीट्यूड वाला ड्रेस था कि हर कोई देख करके एकदम आकर्षित हो जाता था। लोग ना फोटो खिंचवा करके एडिट करते हैं लेकिन इसका रियल फोटो ही ऐसा होता था कि लगता था कि भाई सच में ये किंग है। ये कभी किसी से डरता नहीं था। दुर्लभ कश्यप को कई बार लोगों ने चाहा कि इसे मार दें लेकिन दुर्लभ कश्यप को कोई मार ही नहीं पाता था। उज्जैन शहर में दिन ब दिन लड़कों की संख्या बढ़ती गई और बहुत सारे लड़के इसके गैंग में आ गए। भारतवर्ष के हर एक कोने से लड़कों ने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया और इसको बहुत दूर दूर से दावत पर लोग बुलाने लग गए। बहुत सारे लड़के इसको ना रुपया देकर के बोलते थे कि उसको मरवाना है और फिर ये उसको जाकर मार देता था। तो दुर्लभ कश्यप डरता नहीं था। लेकिन क्या दुर्लभ कश्यप जो काम करता था उस काम को आप पसंद करते हो? बहुत सारे लड़के हैं जो दुर्लभ कश्यप के एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो कि इसको अपना ना एकदम क्या बताऊं, मतलब बहुत कुछ इसको मानते हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो दुर्लभ कश्यप को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और इसका वजह यह है कि दुर्लभ कश्यप कम उम्र में ही एकदम गैंगस्टर वाला लाइफ जीता था, एकदम लीडर की तरह चलता था, एकदम क्या बताऊं कि एकदम रॉयल किंग की तरह चलता था, कभी किसी के सामने झुकता ही नहीं था। एक बार की बात है, एक लड़के ने इसको बुलाया और दुर्लभ कश्यप मतलब अकेले ही जा रहा था तो उसके गैंग के लड़कों ने कहा, भाई तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तो दुर्लभ कश्यप बोला, देखो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अकेले ही जाऊँगा, मैं उससे अकेले ही मिलूँगा। और दोस्तों बता दो कि ये अकेले ही गया उससे मिलने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं डरा और वहाँ जा करके उससे मिला। और मिलने के बाद फिर उससे भी इसका दोस्ती हो गया। तो उस लड़के ने इससे इसलिए दोस्ती करा क्योंकि ये डरता नहीं था, ये डरपोक नहीं था। और उस लड़का को ना बिल्कुल भा गया, बोला कि सच में यार तेरे अंदर ना हिम्मत है, तुम डरने वालों में से नहीं हो। और दुर्लभ कश्यप से उसका दोस्ती हो गया। फिर दुर्लभ कश्यप का गैंग और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। दुर्लभ कश्यप का ड्रेस था आँख में काजल, माथे पर लाल टीका, गले पर गमछी, गले में चेन, बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े दाढ़ी। दुर्लभ कश्यप सबसे ज़्यादा पसंद करता था सिगरेट पीना। लेकिन आजकल के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो दुर्लभ कश्यप की तरह करना चाहते हैं। दुर्लभ कश्यप जैसा कपड़ा पहनता था, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो वैसा ही कपड़ा पहनता है। दुर्लभ कश्यप जैसा टीका लगाता था, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कि वैसा ही टीका लगाता है। बहुत सारे लड़के हैं जो गले में चेन लगाते हैं,
बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि अपना दाढ़ी बड़ा रखते हैं, अपना बाल बड़ा रखते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो दुर्लभ कश्यप का जो ड्रेस था वो एकदम यारना, मतलब क्या बताऊँ, लोगों को आकर्षित कर ही देता था। बहुत सारे लड़के हैं जो कि अभी भी दुर्लभ कश्यप के नाम से बहुत सारे फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो दुर्लभ कश्यप के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और आज उसका चैनल से ना मतलब क्या बताऊँ कि लाखों का अर्निंग कर रहा है। तो ऐसा कुछ है। तो दुर्लभ कश्यप को मैं कहता हूँ कि एटीट्यूड वाला बंदा था, लेकिन दुर्लभ कश्यप जैसा करता था वो करना ना इतना कम उम्र के लड़कों के लिए सही नहीं होता है। अब इतना कम उम्र में ही यदि आप ऐसा ऐसा काम करोगे तो फिर तो भाई क्या बताऊँ, आपके तो दुश्मन हो ही जाएंगे। और यही हुआ दुर्लभ कश्यप के साथ। दुर्लभ कश्यप दिन ब दिन अपना गैंग में लड़कों को शामिल करते जा रहा था, लड़कों की संख्या बढ़ते जा रहा था और दुर्लभ कश्यप और भी ज़्यादा साहसी होते जा रहा था। दुर्लभ कश्यप दिन ब दिन खौफ की दुनिया में और भी बढ़ते ही चला जा रहा था। और आपको भी पता होगा कि एक गैंगस्टर का लाइफ ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे जैसे इसका गैंग बढ़ता गया वैसे वैसे इसने दुश्मनी मोल लेना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया और बहुत सारे इसके दुश्मन हो गए। और अंततः आपको पता ही होगा कि दुर्लभ कश्यप 2020 में मर गया। लेकिन मरने के बाद आज भी बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि दुर्लभ कश्यप को लाइक करता है, बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि दुर्लभ कश्यप की वीडियो को देखकर वो रुकता नहीं है, वो उस पर क्लिक करता है, वो उसको देखता ही देखता है। तो दुर्लभ कश्यप बचपन से ही निडर था। ये 16 साल का जब हुआ तो इसने फेसबुक पर आईडी बनाया और फेसबुक पर आईडी बनाने के बाद इसने बहुत सारे लड़कों से दोस्ती किया और दोस्ती करने के बाद इसने अपना गैंग को चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों जब यह 18 साल का हुआ तो ये सिर्फ उज्जैन में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का प्रत्येक लड़का इसको जानने लग गया और दुर्लभ कश्यप के बहुत सारे दीवाने हो गए। मैं आपको सच कहूँ ना तो आज भी ऐसे लाखों लड़के हैं, ऐसे करोड़ों लड़के होंगे जो कि दुर्लभ कश्यप को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। बहुत ऐसे लड़के हैं जो नशा करते हैं, आजकल तो नॉर्मल सा हो गया है नशा करना, तो बहुत सारे लड़के नशा करते हैं और नशा करने के बाद वो दुर्लभ कश्यप को तो वो फॉलो करते ही हैं क्योंकि उसको लगता है कि भाई दुर्लभ कश्यप नशा करता था तो हम भी करते हैं, तो दुर्लभ तो हमारा भाई ही हुआ। तो बहुत ऐसे लड़के हैं जो दुर्लभ कश्यप को भाई की तरह मानते हैं। तो ऐसा कुछ है, लेकिन दुर्लभ कश्यप वास्तव में जो करता था तो मैं उस चीज़ को रियली कहूँ तो मैं दिल से सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि भाई देखो ये ना, ये दुनिया बहुत खतरनाक है और इस दुनिया में यदि आप गलत करोगे तो भाई आपके साथ भी गलत हो ही जाता है। दुर्लभ कश्यप जो करता था वो सही चीज़ नहीं था। इसलिए नहीं सही था क्योंकि दुर्लभ कश्यप को अभी और भी जीना था, लेकिन दुर्लभ कश्यप कम ही उम्र में मर गया। तो किसी भी आदमी को ना कम उम्र में नहीं मरना चाहिए यार, थोड़ा ज़्यादा दिन तक उसको जीना चाहिए था। लेकिन हाँ, वो जो काम करता था वो बहुत ही खतरनाक काम था। मतलब ना मैं एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने कह दिया कि दुर्लभ कश्यप शेर था। तो सच में यार ये तो शेर था ही। जो किसी से नहीं डरता हो तो भला उसको आप शेर नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में इंडियन आर्मी भी है, इंडियन फौजी सब हैं, तो वो लोग हमारे लिए मर रहे हैं, वो लोग बॉर्डर पर इतना कुछ कर रहे हैं तो हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन दुर्लभ कश्यप को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो भाई दुर्लभ कश्यप को फॉलो करते हो चलो ठीक है, लेकिन तुमको भी दुर्लभ कश्यप की तरह नहीं बनना चाहिए। दुर्लभ कश्यप जो किया सो किया, लेकिन अब आप भी दुर्लभ कश्यप की तरह ही करने लग जाओगे तो ये तो सही नहीं है। तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप दुर्लभ कश्यप की तरह बनो, क्योंकि भाई आपका ज़िंदगी एकदम खतरा से भर जाएगा, आपके भी बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़िंदगी खतरा से भर जाए। बहुत ऐसे लड़के हैं जो कहता है कि भाई एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन कुछ ना कुछ नाम करके मरेंगे तो अच्छा होगा। चलो यार ठीक है, नाम करके बहुत तरह से लोग मर सकते हैं, तुम अच्छा करके भी नाम करके मर सकते हो और बुरा काम करके भी तुम्हारा नाम ही होगा। तो तुम्हारा चयन होना चाहिए कि तुम क्या करोगे, तुमको अच्छा करना पसंद है कि बुरा करना पसंद है। मैं तो कहूँगा कि भाई अच्छा करके ही मरो, मरना है तो वतन के लिए मरो। अरे यार गलत काम करके क्या करोगे मर के? तो दुर्लभ कश्यप को मैं क्या बताऊँ? देखो दुर्लभ कश्यप कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ता था, दुर्लभ कश्यप कभी भी ऐसा वैसा काम नहीं करता था जो काम की ना किसी बहू बेटी को चोट पहुँचाए। तो दुर्लभ कश्यप के अंदर एक खासियत ये थी कि दुर्लभ कश्यप कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ता था, दुर्लभ कश्यप बस वो करता था जो उसके दिल में आता था। हाँ उसको इच्छा था एकदम मस्ती वाला ज़िंदगी जीने का, उसको इच्छा था एकदम खुल के जीने का, उसको इच्छा था वो करने का जो कि मतलब 16 साल का लड़का नहीं कर सकता है। तो कहा जाता है ना कि छोटा पैक बड़ा धमाका, कुछ ऐसा ही था दुर्लभ कश्यप। तो दुर्लभ कश्यप के लाइफ स्टाइल से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हो सकता है कि आप भी प्रभावित होते होंगे, तो ऐसा कुछ है। लेकिन दुर्लभ कश्यप की तरह आपका ज़िंदगी यदि हो जाए तो भाई आप सही से जी नहीं पाओगे, आप सही से अपना काम नहीं कर पाओगे। तो दुर्लभ कश्यप की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अभी आपको बहुत कुछ करना है भाई, तो ऐसे नहीं करना है। दुर्लभ कश्यप जो भी करता था एकदम सरेआम करता था। अब भाई सिगरेट पी करके फेसबुक पर पोस्ट डालना,
ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, उसको किसी से डर ही नहीं लगता था, ना पुलिस से डरता था, ना माँ बाप से डरता था, ना किसी लड़के से डरता था, ना किसी डॉन से डरता था, ना किसी गैंगस्टर से डरता था, एकदम हमेशा ना एकदम खुल के जीता था। दुश्मन के सामने भी एकदम कॉलर उठा करके चलता था, दुश्मन के सामने भी एकदम एटीट्यूड में चलता था। तो बंदा में तो दम था, लेकिन ये बंदा यदि थोड़ा सही काम करता तो ये आज और भी ज़्यादा जीता, और क्या बताऊँ, ये और भी ज़्यादा अपना नाम कमाता। तो वैसे तो ये मरा, लेकिन आज इतना ज़्यादा ये वायरल है, इतने ज़्यादा लोग इसको जानते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। तो दुर्लभ कश्यप का लाइफ कुछ ऐसा ही था। तो दुर्लभ कश्यप आज तो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लाखों लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और हो सकता है कि आप भी इसको फॉलो करते होंगे। तो दुर्लभ कश्यप का लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा ही था, तो मैं ज़्यादा कुछ क्या बताऊँ। एक बार दुर्लभ कश्यप के पिता से किसी ने पूछा कि दुर्लभ कश्यप बचपन में पढ़ने में कैसा था, तो दुर्लभ कश्यप के पिता बोले कि पढ़ने में वो बहुत अच्छा था, लेकिन उस लड़के को ना बचपन से ही कुछ अलग ही एकदम माइंड था, उसको जुनून सवार था कुछ अलग हट के करने का, और उसने किया और आखिर वो मर गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो उसका लाइफ था, उसको जो करना था वो किया। तो दुर्लभ कश्यप के पिता कुछ ऐसे ही बोले, और दुर्लभ कश्यप की माता जो थी वो एक टीचर है और अभी भी वो जीवित है। तो दुर्लभ कश्यप की माता नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मर जाए, और वैसे भी कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो चाहती होगी कि मेरा बेटा मर जाए। तो ऐसा ही कुछ था। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यदि चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो भाई सब्सक्राइब करना, और इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहो, और वीडियो को लाइक कर देना यदि पसंद आया हो तो। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगले नए वीडियो में।